अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर शफीक। आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स का जो है वो पोर्शन जो मॉक टेस्ट 1 में था। इसके 40 क्वेश्चंस हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 161, हाउ शुड द मास ऑफ रोटेटिंग बॉडी ऑफ रेडियस आर बी डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज़ टू मैक्सिमाइज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ऑप्शन ए, द मास शुड बी कंसंट्रेटेड एट आउटर एजेस ऑफ बॉडी। ऑप्शन बी, द मास शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। द मास शुड बी कंसंट्रेटेड एट एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें हम जो है वो आपको ये जो है वो देखना है इसमें कि एंगुलर जो मोमेंटम होती है जब रोटेटिंग बॉडी होती है उसमें हम सपोज़ कर अगर जो है वो मास को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जितनी आउटर एजेस पर होगी तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ होगा तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब है कि मतलब हमें जो है वो मास को एक्सेस ऑफ रोटेशन पर रखना है। अगर हम मास एक्सेस ऑफ रोटेशन पर रखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल कम हो जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मतलब क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि मतलब हमें मैक्सिमाइज़ करनी है एंगुलर वेलोसिटी को, मतलब तो हम जो है वो कंसंट्रेटेड एट एक्सेस ऑफ रोटेशन करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ हो जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन है 162, ए मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 जोल एंड मोमेंटम ऑफ 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, वाट इज़ इट्स मास। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें हमें जो है वो बोल रहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 100 जोल और मोमेंटम है 50। तो मतलब ये आपको फार्मूला आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो हम मास जो है वो हमें मास को जो है वो सॉल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, मास को जो है वो इसका फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम 50 उसका स्क्वायर होगा और नीचे जो है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी होगा। तो मास आ रहा है कितना, 12.5 kg। अब है क्वेश्चन नंबर 163, ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फॉलिंग फ्रीअली इन द ग्रेविटेशनल फील्ड क्लोज टू द मून सर्फेस हैज़ एन एक्सलेशन ऑफ 1.61 m/s², वाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मून। अब इसका क्या है कि मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है वेट पर यूनिट मास। तो मतलब अब हम वेट निकालेंगे इसका, तो वेट के लिए फार्मूला है डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। तो मास है 10 kg, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.61, तो क्या होगा 1.61 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा 16.1, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, मास से, क्योंकि वेट डिवाइडेड बाय मास इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ। तो वेट इसका आ रहा है कितना, 16.1, डिवाइड करेंगे मास से, मास है 10, तो मतलब आंसर आएगा 1.61। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है कि मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिर्फ मतलब डेफिनेशन का ही फ़र्क है। तो जितनी ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उतना ही ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ आएगा, खाली यूनिट चेंज होगा न्यूटन पर किलोग्राम, क्योंकि ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि वेट पर यूनिट मास। तो वेट का यूनिट है न्यूटन और मास का यूनिट है जो है वो किलोग्राम। अब है क्वेश्चन नंबर 164, ए स्टूडेंट कैलकुलेट्स हिज पावर इन रनिंग अप ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ही मेजर्स अ वर्टिकल हाइट ऑफ स्टेयर्स, द टाइम टेकन टू रन अप द स्टेयर्स एंड हिज वेट, हाउ डज ही कैलकुलेट हिज पावर। तो पावर के लिए जो है हम देखेंगे पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 164 का सॉल्यूशन ये है कि पावर इज़ इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। और वर्क का फार्मूला ये है, वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम जो है वही है। और फोर्स यहाँ पे जो है वो है वेट, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो है इक्वल टू हाइट, और टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो मीन्स पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला बन गया, वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 164 का करेक्ट आंसर है क्या, बी, हाइट मल्टीप्लाइड बाय वेट डिवाइडेड बाय टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, ए ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेज सेट अप ऑन ए स्ट्रिंग, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ पॉइंट ऑन हिज स्ट्रिंग, द सेपरेशन। अब ये ग्राफ में ये देखना है कि आपको जो है वो टू पॉइंट्स हैं,
एक्स एंड वाई। अब ये बोल रहा है कि मतलब द सेपरेशन एक्स वाई ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स डैश, उसमें वन लिखा हुआ है, मतलब वन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एक्स एंड वाई हैव इक्वल डैश। अब देखो सेपरेशन हमें पता है कि मतलब जो वो एक्स एंड वाई में जो सेपरेशन होती है, इसमें देखो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इन फेज हैं, मीन्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्राम द मेन पोजिशन, इक्वल डिस्टेंस फ्राम मेन पोजिशन, बट क्या है ये जो है वो सेम ये जो सेम फेज में है। तो मतलब वेवलेंथ का मतलब यही है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन अ वेव दैट आर इन फेज। तो मतलब एक्स एंड वाई दोनों फेज में, मतलब ये सेपरेशन एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेवलेंथ को। और दूसरा जो है वो एक्स एंड वाई ये मतलब मीन पोजीशन से इक्वल डिस्प्लेसमेंट पर हैं, इसका मतलब है कि वन में जो है वो सेपरेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेवलेंथ को, और टू जो है वो पूछ रहा है कि एक्स एंड वाई हैव इक्वल डैश, तो एक्स एंड वाई का इक्वल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। द फिजिकल क्वांटिटीज़ मास वेट एंड डेंसिटी आर रिलेटेड टू वन अनदर, व्हिच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर स्केलर्स। मैंने अब इसमें यह पूछ रहा है कि स्केलर्स सिर्फ हमें जो है वो डिस्कस करनी है, तो स्केलर्स का क्या है, इसमें वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो मतलब वेट को हम एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी क्या है, मास और डेंसिटी, ये दोनों क्या हैं, ये स्केलर्स हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 166 का करेक्ट आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 167। द मून इज हेल्ड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द अर्थ। द स्ट्रेंथ ऑफ इस ग्रेविटेशनल फोर्स इज 2.1 × 10⁻²⁰ N, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज 3.8 × 10⁵ km। वाट इज द टोटल वर्क डन ऑन द मून बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑर्बिट। अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप सोचें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, क्योंकि जब मून जो है वो अर्थ के मतलब जो है वो अराउंड चलती है, तो मतलब मून पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बिल्कुल वर्क नहीं करती है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो। इसका मतलब है इसका आंसर होगा 0 जूल, कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168। द टेबल लिस्ट ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स व्हिच रो इज करेक्ट। अब इसमें क्या है, एक में ऊपर लिखा हुआ है पोलराइजेशन, और दूसरे जो दूसरी साइड है उस पर लिखा हुआ है मोड ऑफ प्रोपगेशन। तो हम क्या करना है हमें, अब देखो पोलराइजेशन ओनली टेक्स प्लेस इन ट्रांसवर्स वेव्स, इसका मतलब है कि मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते, मीन्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स की जो मोशन होती है वो बिल्कुल वेलोसिटी ऑफ वेव्स के पैरेलल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, डी, कैन नॉट बी पोलराइज्ड, और मोड ऑफ प्रोपोगेशन क्या होगा, पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169। आइडेंटिफाई द टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इन आवर डेली लाइफ इन फोटोग्राफी टू इन्हेंस द इफेक्ट ऑफ स्काई एंड क्लाउड्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस सच एज शुगर, क्योंकि मतलब हम जो है वो सॉल्यूशन जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, मतलब आपको पता है जिसमें मतलब जो एक लेवो रोटेटरी भी होती हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होती हैं, तो हम उसका कंसनट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं सॉल्यूशन में कितना है, तो इसमें भी हम बिल्कुल इस पोलराइजेशन का यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या है, थर्ड में इट इज़ यूज इन फोटोग्राफी अंडर अर्थ, इसका तो कोई रिलेशन है ही नहीं इससे पोलराइजेशन से, मीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, 1 and 2 C। 170। इन स्टैंडिंग वेव्स द पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम इज कॉल्ड डैश एंड द पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम इज कॉल्ड डैश। आपको पता है स्टैंडिंग वेव्स में डिस्प्लेसमेंट वेयर पॉइंट वेयर द सॉरी स्टैंडिंग वेव्स में जो पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम वो पॉइंट होती है क्या, एंटी नोड, और जो पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम वो पॉइंट होती है नोड। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या, बी। 171। वन टार्क एक्ट ऑन ए सिस्टम इज जीरो, व्हिच आर द फॉलोइंग क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट। अब इसमें क्या है कि मतलब हमें पता है कि टार्क है क्या, टार्क इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें जो है वो अब हम टार्क को अगर ज़ीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा,
इसका मतलब यही है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 172, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी प्रोड्यूस एक्सलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन, देन दिस इज़ द स्टेटमेंट। अब आपको पता है कि मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ में यही कहता है कि मतलब जो है वो आप फोर्स लगाएंगे तो हम क्या होगा, एक्सलरेशन जो है वो उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 173। मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एफ वन एंड एफ टू इज़ 18 न्यूटन एंड द मिनिमम रिजल्टेंट इज़ 8 न्यूटन। इफ एफ वन इज़ ग्रेटर देन एफ टू देन वाट इज़ देयर रिजल्टेंट व्हेन दे आर एट 60 डिग्री। अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 173 का सॉल्यूशन देखो, इसमें क्या है कि मैक्सिमम जो रिजल्टेंट आ रहा है टू फोर्सेज हैं एफ वन एंड एफ टू का 18 न्यूटन है, और मिनिमम जो है वो मीन्स एफ वन से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एफ टू तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब इसका रेशो बनाएंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई एफ वन प्लस एफ टू इज़ इक्वल 18 मल्टीप्लाइड एफ वन माइनस एफ टू। अब सॉल्व करेंगे, इसमें आ रहा है क्या, एफ वन और एफ टू का रेशो आ रहा है कितना, 26/10। अब इसको हम एफ वन और एफ टू को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें जो एफ वन और एफ टू का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 18 न्यूटन होना चाहिए। इसका मतलब है सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13/5। इसका मतलब है फोर्स वन जो है वो 13 न्यूटन है और फोर्स टू जो है वो 5 न्यूटन है। अब देखो इसका सम आप निकालें और मिनिमम रिजल्टेंट निकालें कितना आ रहा है। मैक्सिमम रिजल्टेंट मीन्स एफ वन प्लस एफ टू कितना, 18 न्यूटन आ रहा है बिल्कुल, और मिनिमम कितना आ रहा है, 13 न्यूटन से हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 न्यूटन, तो 8 न्यूटन आ रहा है। अब देखो 26 और 10 को मैंने सिंप्लीफाई इसलिए किया है क्योंकि अगर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो देखो एफ वन और एफ टू का हम वैल्यू जैसे आ रहा है ऐसा अगर हम जो है वो इसको लेके मतलब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बिल्कुल गलत आएगा, क्योंकि फोर्स जो है एफ वन को हम जो है वो 26 न्यूटन और एफ टू को 10 न्यूटन रखेंगे तो सम तो 18 न्यूटन होगा ही नहीं। इसका सम हो जाएगा 36 न्यूटन और सब्ट्रैक्शन में हमें पता है सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो आ जाएगा कितना, 16 न्यूटन। तो सिंप्लीफाई करके उसके बाद हमें एफ वन एफ टू निकालना है। अब इसका यही जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे और 60 डिग्री एंगल से हमने सॉल्व किया कितना आ रहा है, रेडिकल 259 न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन अ सिटिंग पोजिशन, हाउ विल द पीरियड ऑफ स्विंग बी अफेक्टेड इफ शी स्टैंड्स अप। अब इसमें क्या है कि मतलब टाइम पीरियड जो है वो पूछ रहा है कि पीरियड क्या होगा, पीरियड विल नाउ बी लॉन्गर, पीरियड विल नाउ बी शार्टर, पीरियड विल रिमेन अनचेंज्ड, पीरियड मे बिकम लॉन्गर और शार्टर डिपेंडिंग अपॉन देयर डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ गर्ल। अब इसमें आप देखो कि मतलब जो है वो हम जो लेंथ लिखते हैं पेंडुलियम की तो वो होती है क्या, डिस्टेंस बिटवीन सस्पेंशन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मतलब जैसे मतलब स्विंग से जो वो गर्ल स्टैंड अप करेगी तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऊपर राइज हो जाएगी। इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन सस्पेंशन पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे डिक्रीज़ होगा और मतलब इसका मतलब लेंथ डिक्रीज़ हो गई, अगर लेंथ डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, पीरियड विल बी डिक्रीज मीन्स पीरियड विल नाउ बी शार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175, टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए एक्ट एट अ पॉइंट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज रेडिकल 3a देन एंगल बिटवीन देम इज क्या होगा, 90 होगा, 60 होगा, 30 होगा, 180 होगा। अब हम इसकी जो है वो सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 175, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि एफ वन जो है वो उसका मैग्नीट्यूड ए मीन्स टू फोर्सेज इक्वल है, एफ वन और एफ टू दोनों का मैग्नीट्यूड ए है और रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है रेडिकल 3 times ऑफ ए। अब इसको लॉ ऑफ कोसाइन आप लगा के जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले लॉ ऑफ कोसाइन लगेंगे उसके बाद आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर रेडिकल चला जाएगा, उसके बाद आपको ये फार्मूला मिलेगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। अब इससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, रेडिकल 3a तो स्क्वायर रेडिकल चला जाएगा मीन्स 3 जो है वो बिल्कुल निकल आएगा बाहर, उसके बाद जो है वो a का स्क्वायर होगा, बाकी जो है आगे एफ वन भी a के इक्वल है इसको मीन्स a स्क्वायर होगा, एफ टू भी a के इक्वल है a स्क्वायर होगा और एफ वन एफ टू कॉस थीटा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ वन भी a के इक्वल है, एफ टू भी a के इक्वल मीन्स ये भी a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको सॉल्व करना 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसमें देखो कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट जो है वो ऐड कर देते हैं, टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर कॉस थीटा रख के सॉल्व करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाता है। तो आपको ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल फोकस करना चाहिए इस पर कि टू ए स्क्वायर एक अलग टर्म है और टू ए स्क्वायर एक अलग है। तो पहले हम टू ए स्क्वायर को क्या करेंगे उस साइड पे लेके जाएंगे और जो है वो सबट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद जो है वो अब क्या होगा, टू ए स्क्वायर कॉस थीटा से मल्टीप्लाइड है, वहाँ पे डिवाइड होगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या, कॉस थीटा इज इक्वल वन अपॉन टू, मीन्स थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर वन अपॉन टू, मीन्स एंगल 60 डिग्री होगी। तब जो है वो कॉस को एरिया कॉस थीटा जो वैल्यू 60 डिग्री आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 176, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज आर ट्रू, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि मतलब वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर जो है वो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, सिर्फ उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। इसका मतलब है कि इक्वल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होंगे, सही है, अपोजिट डायरेक्शन होगी नो डाउट, और दे एक्ट ऑन दी सेम लाइन। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट है 177, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप प्रोड्यूसेस इरेक्ट एंड रियल इमेज, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज। अब इसमें क्या होगा, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो होती है वो मॉडिफाइड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। इसमें सिर्फ एक ही लेंस जो है वो हम इसके बीच में लगाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, सिर्फ उसको हम इरेक्टिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि उसका काम यही है, सिर्फ वो इरेक्ट करता है इमेज को, बाकी कोई मतलब मैग्नीफिकेशन पे अफेक्ट नहीं होगा, वही मैग्नीफिकेशन सेम होगी जो वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप वाली, वही फार्मूला लगेगा। इसमें सिर्फ जो है वो थर्ड लेंस यही काम कर रहा है कि वो लेंस को अब वो जो है वो इमेज को इरेक्ट कर रहा है, बाकी इमेज सेम होगी, वहाँ होगी इन्वर्टेड एंड वर्चुअल और यहाँ हो रही है क्या, इरेक्ट एंड वर्चुअल। इसका मतलब है ये आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, ए वेसल गिविंग आउट 450 हर्ट्ज अप्रोचेज अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट ए स्पीड ऑफ 32 मीटर पर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन हर्ट्ज इज। इसका हम जो है वो सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि हम डेटा बनाएंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो मतलब विसल से निकल रही है वो कितनी है, 450 हर्ट्ज है, और फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर हमें जो है वो निकालनी है, और ऑब्जर्वर क्या है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, तो मींस इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स मींस जिससे विसल निकल रही है वो सोर्स जो है वो कितनी स्पीड से अप्रोच कर रही है ऑब्जर्वर को, वो है 32 मीटर पर सेकेंड। अब इसका फार्मूला आप जनरल एक ही फार्मूला याद रख लें, आपको पता है कि बुक में बहुत सारे हर केस के अलग अलग जो है फार्मूले दिए हुए हैं, आपको वो याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आप ये सिर्फ फार्मूला याद रख लें, एफ डैश इज़ इक्वल टू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस मल्टीप्लाइड बाई। अब इसमें जितने केसेज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अगर मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो वी नॉट ज़ीरो होगा, अगर सोर्स रेस्ट में है तो वी एस ज़ीरो होगा, तो इससे हम जो है वो आसानी से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आपको याद रखना है कि ऊपर की साइन पॉजिटिव और नीचे की साइन नेगेटिव तब होगी जब हम जो है वो सोर्स अप्रोच कर रही होगी ऑब्जर्वर को, अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से मतलब जो है वो दूर जा रही है तो क्या होगा, साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव हो जाएगी नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। इसी फार्मूला से आप देख सकते हैं, अब ये आपको याद रखना है कि मतलब अगर स्पीड नहीं दी हुई है साउंड की तो नॉर्मल स्पीड हम जो है वो 332 ही लेते हैं। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन में हमने स्पीड साउंड की नहीं दी हुई है, मतलब दे भी सकते हैं, कहीं लिखा भी होता है मतलब सामने लिख देते हैं हिंट में कि मतलब स्पीड जो है वो 332 है, लेकिन आपको नॉर्मल स्पीड अगर मतलब जो है वो नहीं दी हुई है तो आप 332 से ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये मतलब आप आइडियली लेंगे, उसके बाद जो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना, फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय द ऑब्जर्वर इज़ 498 हर्ट्ज़। क्वेश्चन है 179, द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड व्हिच डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस इज पिच क्वालिटी बीट एंड एम्पलीट्यूड। अब ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो भी साउंड होते हैं उनका उनकी मतलब जो वो लाउडनेस और पिच सेम हो सकती है, मतलब दो साउंड्स हैं उसकी लाउडनेस और पिच सेम हो सकती है लेकिन उसकी क्वालिटी कभी सेम नहीं हो सकती। क्वालिटी हर मतलब साउंड की जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और इसी क्वालिटी की वजह से ही हम जो है वो किसी का मतलब जो है वो साउंड रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। जैसे मतलब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मतलब कौन बात कर रहा है, या हम सिर्फ क्वालिटी से ही जो है वो डिस्टिंग्विश करेंगे कि मतलब
साउंड जो है वो सेम पिच और लाउडनेस का कैसे मतलब जो है वो हम डिस्ट्रीब्यू इसको जो है वो डिफरेंशिएट करें, तो सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी ही जो है इसको डिफरेंशिएट कर सकती है, बाकी भले सेम पिच और लाउडनेस का हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। ए 5 किलोग्राम मास इज एक्सेलरेटेड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ मच फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द मास। अब इसके फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माइंड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 5 किलोग्राम मास है, एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है इसमें नेट फोर्स कितनी लग रही है, 20 न्यूटन। तो आप सोच सकते हैं हम 25 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और सिर्फ 20 न्यूटन फोर्स ही जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही है। इसका मतलब है 5 न्यूटन वाली फोर्स जो है वो हम जो है वो क्या करते हैं, वो पक्का फ्रिक्शन ही है जो हम उसको ओवरकम करने के लिए जो है वो लगा रहे हैं। इसका मतलब फ्रिक्शन कितनी होगी, 5 न्यूटन, और इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 180 की सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि अप्लाइड फोर्स हम मतलब कितनी फोर्स लगा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगी नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास मल्टीपल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स हम कितनी लगा रहे हैं टोटल 25 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन। तो मास है 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन है 4 इज इक्वल टू 25 माइनस फ्रिक्शन। अब क्या करेंगे हम 25 को साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका मतलब कितनी फ्रिक्शन आ रही है, 5 न्यूटन। अब है क्वेश्चन नंबर 181। टेक द करेक्ट स्टेटमेंट, द टाइम दैट इज रेफर्ड टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल टाइम। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है सोलर डे इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव अपीयरेंस ऑफ सन ओवर इट। ये भी सही है, क्योंकि मतलब ए सोलर डे मीन्स एक दिन का पूछ रहा है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जो मतलब टू सक्सेसिव अपीयरेंस ऑफ सन ओवर इट मीन्स एक दिन से मतलब जो है वो सूरज बाहर निकला है और दूसरे मतलब जो दिन सूरज जब बाहर निकलेगा तो इसके बीच में जो भी टाइम इंटरवल है इसको हम क्या कहेंगे, सोलर डे। और मीन सोलर डे तब हम कहते हैं जब हम मतलब क्या करेंगे पूरे मतलब ईयर का हम एवरेज निकाल दें, क्योंकि हमें पता है मतलब विंटर में जो है वो सोलर डे मतलब उसका जो है ड्यूरेशन कम हो जाएगा डे का, और विंटर में समर में जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो हम एवरेज लेते हैं उसको हम कहते हैं मीन सोलर डे। नेक्स्ट सॉरी, अब क्या है, मीन सेकंड रिप्रेजेंट्स द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम बिफोर 1960। सही है बिल्कुल, क्योंकि बिफोर 1960 हम क्या करते थे मतलब जो है वो SI यूनिट जो थे मतलब वो टाइम का वो क्या लेते थे, हम मीन सेकंड ही लेते थे। ठीक है, क्योंकि मतलब जो है वो आफ्टर 1960 SI यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हो गया, उसमें हम टाइम को जो है वो बेसिक यूनिट ही लेते हैं क्या के मतलब मीन्स सॉरी सेकंड जो है वो क्या है बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। और नेक्स्ट है 182। इन केस ऑफ कैमरा द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 3F वेयर F इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, द इमेज प्रोड्यूस्ड इज रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड डायमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट डायमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। अब इसको देखो, डिस्टेंस मीन्स अगर हम जो है वो लेंस से मतलब जो है वो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं 2F पर, तो मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी, 2F पर ही, और इक्वल साइज़ की होगी। अगर हम जो है वो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बियॉन्ड 3F मीन्स 3F से भी बियॉन्ड रख रहे हैं मीन्स डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट का है वो मोर देन 3F है, इसका मतलब इमेज क्या होगी, आ जाएगी फोकल लेंथ और 2F के बीच में आएगी मीन्स F और 2F के बीच में आएगी, और साइज़ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम 2F से जैसे हम जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का तो मतलब साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगी और इमेज जो है वो F और 2F के बीच में बनेगी। तो मतलब क्या होगा, इमेज बिल्कुल क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन डिमिनिश्ड इमेज होगी, साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट है 183। वेक्टर विच इज़ यूनिकली डिटरमाइंड बाय इट्स 3 प्रोजेक्शन ऑन द एक्सेस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो क्या है, फ्री वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 184। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड हाइट ऑफ 500 मीटर। इफ़ इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ इन एयर देन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन डैश सेकेंड्स, ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है,
लेकिन आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल मोशन होती है वो बिल्कुल फ्री फॉलिंग मोशन के ही बराबर होती है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 184, इसमें क्या है कि एच इज़ इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट से ड्रॉप हुआ है। अब आपको ये मतलब जो है वो आना चाहिए कि मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन और फ्री फॉलिंग मोशन में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट आप फ्री फॉल मतलब कर रहे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजॉन्टली स्पीड दे के सेम हाइट से मतलब जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं, तो दोनों मतलब सेम टाइम में आएंगे। इसका मतलब है कि वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल और फ्री फॉलिंग मोशन में कोई फ़र्क नहीं, इसका मतलब फार्मूला यही लगेगा। तो इससे हमें जो है वो एच इज़ इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर, हाइट कितनी है 500, 1/2 ग्रेविटी 10 इंटू टाइम स्क्वायर, इससे हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, टाइम 10 सेकेंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186, इफ़ ए डिस्क स्पिनस देन ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल स्पिन, द पार्टिकल इज एट सेंटर स्पिनस बट दी अदर एग्जीक्यूट ऑर्बिटल मोशन और ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसमें देखो कि ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल स्पिन, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है कि मतलब जो एजेस आउटर एजेस पर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब है ये तो फर्स्ट वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सेकंड क्या है, द पार्टिकल एट सेंटर स्पिन्स बट अदर एग्जीक्यूट ऑर्बिटल मोशन, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सेंटर पे जो पार्टिकल होगा वो अपने ही एक्सिस पे जो है वो रोटेट करेगा, और जो पार्टिकल आउटर एजेस पर होंगे या जो भी मतलब बीच में जो पॉइंट्स पार्टिकल्स आ रहे हैं वो क्या करेंगे, ऑर्बिटल मोशन, ये सही है। और ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी सही है, क्योंकि जितने पार्टिकल्स मोशन करेंगे उसका सेंटर जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही होगा, मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उसकी सेम होगी। तो इसका क्या आंसर होगा, 2 और 3, आंसर बी। 187, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी वेरीज स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ की शेप जो है वो क्या होती है, ऑर्बिट सॉरी ओवल शेप है। तो ओवल शेप में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि मतलब पोल्स पर जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ ग्रेविटी कम होगी, और इक्वेटर पर जो है डिस्टेंस कम होगा और ग्रेविटी ज़्यादा होगी। तो ये भी है शेप ऑफ अर्थ। और दूसरा है क्या, इट्स रोटेशन। हमें पता है अगर मतलब अर्थ जितनी मतलब जो है वो ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगी तो मतलब उसकी जो है वो ग्रेविटी कम होगी, और अगर अर्थ स्टॉप्स रोटेट करेगी मतलब बिल्कुल स्टॉप हो जाती है अर्थ, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब है शेप ऑफ अर्थ और रोटेशन से ही जो है वो ग्रेविटी जो है वेरीज करती है। नेक्स्ट है 188, द एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ आर ए मूविंग बॉल कैन ब्रेक ए ग्लास विंडो, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मूविंग बॉल ब्रेक कर रहा है ग्लास विंडो को, इसका मतलब है मूविंग बॉल के पास क्या है, एनर्जी है, वो इस एनर्जी से ही क्या करता है, वो ग्लास विंडो को ब्रेक करता है। स्ट्राइकिंग हैमर कैन ड्राइव ए नेल, हम जब मतलब हैमर जो है वो नेल पर लगाते हैं तो मतलब नेल जो है बिल्कुल अंदर चली जाती है किसी चीज़ के अंदर, इसका मतलब है कि हैमर के पास जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेल को ट्रांसफ़र कर रही है, वो नेल अंदर जा रही है। स्टोन थ्रोन अपवर्ड कैन लिफ्ट इट सेल्फ अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट अपने आप को लिफ्ट कर रहा है, मीन्स उसके पास इतनी एनर्जी है जो वो अपने पास अपने मतलब जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ही अपने आप को लिफ्ट कर रहा है, तो मतलब इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है जैसे ज़्यादा ऊपर जाएगी मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, और हाइट पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट में आके उसके बाद जो है वो नीचे आएगा, इसका मतलब जहाँ पे रेस्ट में आएगा वहाँ ऑब्जेक्ट स्पीड ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, ए फोर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू 2i - j कॉजेज अ बॉडी टू मूव अलॉन्ग ए डिस्प्लेसमेंट 3i + 2j - k देन वर्क डन बाई इट इन 2 सेकेंड। अब इस ये में वर्क पूछ रहा है 2 सेकंड, भले ही हमें पावर थोड़ी पूछ रहा हो, हम जो 2 सेकंड को ही मतलब जो है वो कंसिडर करेंगे, तो 2 सेकंड में ऐसे ही मतलब आपको जो ऐसे ही दे रहा है, बाकी आपको वर्क डन मतलब कैलकुलेट करना है, तो उसका होगा फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होगी इसकी। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन है वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 2i - j और डिस्प्लेसमेंट है 3i + 2j - k। इसमें देखो हमें जो है वो क्या करना है, जो टर्म आई के साथ है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ ही, मीन्स 2i - 3i, तो मीन्स 2 × 3i - i -j·j·j·j 2j मीन्स 2j·j। तो क्या होगा, i·i मीन्स 1 के इक्वल है और j·j 1 के इक्वल है, मीन्स 6 - 2 = 4, मीन्स 4 जूल जो वर्क होगा।
क्योंकि इसमें आपको जो है वो आई को जे से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, क्योंकि उसका आंसर जीरो ही आएगा। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, आई और जे। तो हम जो है वो सिर्फ आई की टर्म आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जे की टर्म जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उस हिसाब से आंसर आएगा कितना, 4। जो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 190। पॉइंट मास एम इज़ अंडरगोइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस रिप्रेजेंट्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस मास। ठीक है, एम आर ओमेगा, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम ओमेगा। अब इसका आपको फार्मूले से ही मतलब आपको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर इन टू ओमेगा। हम जो इसको कैसे मतलब फार्मूले को निकालेंगे वो आपको मैं ठीक दिखा है। रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 198। हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजिशन वेक्टर और लेनियर मोमेंटम का। तो एल इज़ इक्वल टू आर पी साइन थीटा। अगर एंगल हम 90 डिग्री मतलब जो है वो कंसिडर करते हैं तो होगा एल इज़ इक्वल आर पी। पी मोमेंटम है, पी इज़ इक्वल टू एम वी मीन्स आर एम वी, वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। तो मीन्स होगा आर मल्टीप्लाइड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई आर ओमेगा। तो आर और आर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, तो मीन्स एम आर स्क्वायर इन टू ओमेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है 191। राइट डाउन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हमें जो है वो फार्मूला याद होना चाहिए, या मतलब आपको यूनिट याद होना चाहिए, क्योंकि यूनिट आपको पता है फिजिक्स में तो वहाँ डिस्कस नहीं है कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी, लेकिन केमिस्ट्री में आपको पढ़ा, आपने पढ़ा होगा विस्कोसिटी का यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब उससे ही हम सॉल्व कर सकते हैं इसका जो है वो डायमेंशनल फार्मूला। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला मतलब जो है वो चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे मतलब निकलता है। मतलब जो वो ड्रैग फोर्स जो होती है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लेयर्स, मतलब जो हमें विस्कोसिटी कहते हैं वो किसको कहते हैं, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन, वो होती है रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। तो मतलब वो जो है वो जब मोशन करेंगे तो लेयर्स ऑफ लिक्विड क्या करेंगे, वो रेजिस्टेंस मतलब जो है वो फील करेंगे। तो मतलब जितनी मतलब एरिया ऑफ लेयर मतलब कांटेक्ट में ज़्यादा होगी उतनी ही मतलब फ्लूड फ्रैक्शन ज़्यादा होगी, और फ्लूड फ्रैक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लेयर। मतलब एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड करती है, वो जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना जो है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में जो फ्रिक्शन फील होगी। और दूसरा होता है डिस्टेंस ऑफ लेयर, डिस्टेंस ऑफ वन लेयर फ्राम अनदर, मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी फ्लूड फ्रैक्शन कम होगी। तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लूड फ्रैक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड टू वेलोसिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ वन लेयर फ्राम अनदर। ठीक है, और फ्लूड फ्रैक्शन के लिए मतलब हम जो है वो ये प्रोपोर्शनलिटी जब हम इक्वलिटी में जो है इसको चेंज करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसमें होता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम इस सिग्नेचर को इसको हम क्या कहेंगे, ईटा कहेंगे। तो मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू वी। तो इससे हम जो है वो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं यूनिट। तो क्या होगा डायमेंशन, एम इंटू एल इनवर्स एंड टी इनवर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन है 192। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। इसमें मतलब ट्रक जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है हम वो क्या कंसिडर करेंगे, ज़ीरो, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 192। ठीक है, 2 a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस ऑफ 40 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। तो हमने सॉल्व किया कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 193। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजिशन इट्स टोटल एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ टोटल, और इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। तो इसको हम जो वो सॉल्यूशन देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 193, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वो है 1/2 kx² इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई टोटल एनर्जी का फार्मूला 1/2 kx² 0 स्क्वायर। तो इसको जो है वो हम सिंपली यहाँ से ही मतलब जो कट कर देंगे, 1/2 से डिवाइड हो जाएगा चला जाएगा, और k से चला जाएगा मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स नॉट स्क्वायर। अब हम दो बहुत साइड्स क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो मीन्स आ जाएगा डिस्टेंस कितना, 1/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड मीन्स 0.5 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड।
क्वेश्चन नंबर 194 इन विच वे कैन द फ्रिंज स्पेसिंग बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स बाय हैविंग अ लार्जर डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स नन ऑफ दीज। अब इसको देखो फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा एंड 12 डिवाइडेड बाई डी। इसका मतलब है फ्रिंज स्पेसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सिलेट्स मीन्स एल जो है वो डिस्टेंस ज़ाहिर करा सिलेट्स और स्क्रीन के बीच में और अपन एक्स जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू सिलेट्स। अब हमें पता है कि मतलब फ्रिंज स्पेसिंग को इंक्रीज़ करना है तो हम जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू सिलेट्स डिक्रीज़ करेंगे वेवलेंथ को इंक्रीज़ करेंगे और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सिलेट्स इंक्रीज़ करेंगे। तो इसमें मतलब फेवरेबल आंसर क्या है बी बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सिलेट्स मीन्स हम लेंथ को जो है वो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 10 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज। अब हमें पता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस को हम क्या करें सिंपली ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप तो वो कितना होगा 90 + 10 = 100 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है 196 टोटल एनर्जी ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूटिंग सिंपल आर्म इन मोशन। अब हमें पता है टोटल एनर्जी का फार्मूला है 1/2 kx0² इसका मतलब है टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर तो इसमें ऑप्शन होगा सी। और नेक्स्ट है 197 डायमीटर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड लेंस का जो भी डायमीटर होता है उसको हम क्या कहेंगे अपर्चर कहेंगे। नेक्स्ट 198 विच लिस्ट कंटेन्स ओनली ट्रांसवर्स वेव्स मतलब हमें जो है वो ऑप्शन वो टिक करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे ट्रांसवर्स वेव्स ही होंगे। अब देखो पहला ऑप्शन इंफ्रारेड वेव्स लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स तो मतलब इंफ्रारेड और लाइट तो ये तो दोनों मतलब ट्रांसवर्स हैं और साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल तो हम ये ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंफ्रारेड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड अल्ट्रावायलेट वेव्स ये क्या है तीनों ही जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं तो मतलब ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट 199 द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और फाइनली जो क्वेश्चन है वो है 200 वन ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 1055 जॉल्स। तो ये जो है वो एक्सप्लेनेशन हो गई फिजिक्स पोर्शन की इंशाल्लाह मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम ये केमिस्ट्री पोर्शन की एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो पोस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है ये हमारी मतलब जो है वो सेल्फ असेसमेंट की आपकी देख सकते हैं इसमें। ठीक है और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिव्यूज़ जो हैं वो कमेंट्स में हमें जो है वो बताएं मतलब। ओके अल्लाह हाफिज़।